अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल ज़मीर ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम की जानिब से। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि हमारा एसईओ का कोर्स जारी है और ये हमारी तकरीबन कोई 12वीं वीडियो है। ये तो हम बात कर रहे थे ऑन पेज एसईओ पर और ऑफ पेज एसईओ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे ऑन पेज एसईओ पर कि ऑन पेज एसईओ जो होती है कौन से फैक्टर हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिससे आपकी ऑन पेज एसईओ हो जाती है, आपकी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ होती है। इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं तो आप मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको फ्री में ये सिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो आप लाजमी तौर पर ये चैनल को सब्सक्राइब करें ना, तो इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी कि मैं जो आपको फ्री में ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये आप चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। ऑन पेज एसईओ के हवाले से हम बात करेंगे। ऑन पेज एसईओ में कुछ फैक्टर आ जाते हैं, कुछ चीज़ें आ जाती हैं। उनमें से फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब आप वेबसाइट बनाने का इरादा करते हैं कि मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, तो उसमें आपको जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ याद रखनी है वो होती है डोमेन नेम। डोमेन नेम से आपकी जो एसईओ वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। डोमेन नेम जैसे ही आप डोमेन नेम का वो करेंगे कि मैंने ये डोमेन नेम परचेज़ करनी है, तो वहीं से आपकी एसईओ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, जैसे कि आपकी साइट है एसईओ के हवाले से है, ठीक है, तो आपकी जो डोमेन नेम होगा किस तरह होगा, www.seo tutorials, यानी कि ऐसे ट्यूटोरियल के हवाले से आपकी साइट है। तो डोमेन नेम ऑन पेज एसईओ का एक फैक्टर है, इसलिए है क्योंकि जब आप डोमेन नेम परचेज़ करें तो उसमें आपका फोकस कीवर्ड हो, खास करें आपकी जो साइट है वो एसईओ ट्यूटोरियल के बारे में है, तो आप अपनी साइट रख रहे हो फैसल ज़मीर डॉट कॉम, तो ये आपकी डोमेन नेम आपको मिल तो जाएगी, लेकिन ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी एसईओ जो है ना एसईओ फ्रेंडली डोमेन नेम नहीं है, ये आपका एसईओ फ्रेंडली डोमेन नेम है। मतलब ये है कि ये डोमेन आपका बेस्ट है, ये डोमेन आपका बेस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो एसईओ के बारे में है, तो आपका जो डोमेन नेम हो उसमें भी एसईओ का वर्ड लाजमी होना चाहिए। तो यहीं से आपकी एसईओ स्टार्ट हो जाती है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम आप जब परचेज़ करें तो अच्छी हॉस्टिंग से करें, पाकिस्तान से हम यही करते हैं, हॉस्टर पी के से करते हैं, आप भी इसी से करें। अगर आप गोडेडी से करना तो वो भी अच्छी है, और भी पाकिस्तान अच्छी हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो ये वाली अच्छी है। तो डोमेन नेम दूसरा होता है हॉस्टिंग होता है। हॉस्टिंग आपने डोमेन नेम परचेज़ करनी है, लास्ट बात है आप एक ही कंपनी से हॉस्टिंग भी लेंगे, एक ही कंपनी से आप डोमेन नेम भी लेंगे, जो भी कंपनी हो हॉस्टिंग कंपनी जो भी हो उसमें आप दो चीज़ें देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि इसका जो अप टाइम है साइट का, हॉस्टिंग का अप टाइम कितना है, डाउन तो नहीं हो रही है, उसका जो सिस्टम है उनका जो सर्वर है वो अगर डाउन हो रहा है, अगर वो हॉस्टिंग प्रोवाइडेड जो कंपनी थे अगर उनका जो सर्वर है अगर वो डाउन हो रहा होता है, अगर वो डाउन होता है अक्सर, तो आपकी साइट भी डाउन हो जाएगी। उनका अप टाइम लिखा हुआ होता है कि अप टाइम इनका है 90% इतना, अगर इतना हो तो बेस्ट है, ठीक है, अगर इससे कम हो गया 70% 80% तो फिर वो अच्छी नहीं है। अप टाइम उनका 100% होना चाहिए, 99% होना चाहिए, ठीक है, तो आपकी साइट भी टॉप पर रहेगी, आपकी साइट डाउन नहीं रहेगी, अप टाइम को देखा जाता है। दूसरा ये होता है कि आपने उनकी जो कस्टमर सपोर्ट होती है, कस्टमर सपोर्ट वो देखनी पड़ती है, खास करें आपको कोई प्रॉब्लम आ गई आपकी हॉस्टिंग में या आपकी डोमेन नेम में या आपकी साइट में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने रब्ता करना है अपनी हॉस्टिंग प्रोवाइडेड कंपनी से, अगर वो आपके मसले को हल नहीं करते या आपको डिले कराते हैं, आपको इधर उधर की सुना देते हैं, मतलब ये कि आपके प्रॉब्लम को वो सीरियस नहीं लेते, तो वो भी अच्छी नहीं है। मतलब ये कस्टमर सपोर्ट देखना पड़ता है कि आपसे वो कितना तावन करते हैं, तो ये दो चीज़ें होती हैं। और तीसरी मैं अपने खुद से बनाता हूँ, वो ये है कि जब भी आप हॉस्टिंग परचेज़ करें तो आप अपने दोस्तों से क्या करें, सजेशन लें, उनसे मशवरा लें, मशवरा करें उनसे, उनसे गाइड करें कि कौन सी बेस्ट है कौन सी बेस्ट नहीं है, तो आपको इस तरह से काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिल सकेंगे। तो वैसे भी आप कोई भी काम करें तो उससे आप मशवरा ज़रूर क्या करें। अब ये दो फैक्टर हैं मेरे ख्याल से, अगर आप इनको अच्छी तरह अगर आपको समझ आ गई है तो आपकी स्टार्ट से जो एसईओ वो काफ़ी अच्छी होगी, कि डोमेन नेम आप वो परचेज़ करें जिसमें आपका कीवर्ड हो, जिसमें आपका टॉपिक हो, जिसमें आप जिस चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं वही डोमेन नेम के अंदर कीवर्ड्स होना चाहिए। अगर HTML के बारे में साइट आपकी तो आपकी होनी चाहिए HTML ट्यूटोरियल्स या HTML लेसन या HTML वीडियो ट्यूटोरियल्स .com, HTML का वर्ड उसमें लाजमी होना चाहिए। अब
दूसरी बात यह कि मेरी जो साइट है ऑनलाइन सीखना, इसमें क्या चीज़ है, इसमें आपको HTML के ट्यूटोरियल मिलेंगे, CSS के भी मिलेंगे, jQuery के भी मिलेंगे, PHP के मिलेंगे, SEO के मिलेंगे, मेक मनी के भी मिलेंगे। तो इसका जो डोमेन नेम है वो उसको डिफाइन नहीं कर रहा कोई ख़ास तरीके से, क्योंकि ये कोई कीवर्ड नहीं है ना। ऑनलाइन सीखना तो कोई सर्च नहीं करता, ये तो मैंने खुद से इसको वो किया था, सोचा था और ये रख दिया था। तो ये जो डोमेन नेम है ये SEO फ्रेंडली नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए था जिस तरह लर्न वेब डिज़ाइनिंग, तो इस किस्म का जो कीवर्ड होता है वो अच्छा होता, ठीक है। तो मतलब ये कि आपने ख्याल रखना है कि जो भी आपका टॉपिक हो, जो भी आपका जो मौजू है अपनी साइट का, वो जो भी कीवर्ड है वो आपका डोमेन नेम में होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि आपका लेआउट कैसा होना चाहिए वेबसाइट का जब आप उस पर इंस्टॉल करेंगे। तो थैंक्स टू वॉचिंग।